क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट tan pi by 4 प्लस x अपॉन tan pi by 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x की होल पावर 2। बच्चों क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ये रखा है tan pi by 4 प्लस x अपॉन tan pi by 4 माइनस x, हमें ये लेके आना है बच्चों 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस टेन एक्स की होल पावर 2, ये लेके आना है। ठीक है, देखिए बच्चों वहां कहीं भी उसमें पाई बाई 4 नहीं आ रहा है ना। देखें इसमें तो हम यूज करेंगे tan a प्लस बी और यहां यूज करेंगे हम tan a माइनस बी, है ना। देखें ऐसे tan पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन एक्स अपॉन टेन पाई बाई 4, बच्चे यहां माइनस आएगा, माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन एक्स। बच्चे हमने यहां टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया जो कि होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 प्लस, है ना, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यहां यूज किया जो कि होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है ना, यहां बच्चों ए पहचान पा रहे हैं, ए है पाई बाई 4 जबकि बी है एक्स। वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, देखिए टेन पाई बाई 4 1 हो जाएगा ये, तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स अपॉन, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी से सॉल्व करेंगे टेन पाई बाई 4 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ओके बच्चों हमें ये लेके आना है, अभी आ जाएगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। भाई ये डिवाइड है, इसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो इस फ्रैक्शन को हमने रिवर्स कर लिया, उल्टा कर लिया। देखिए ऐसे अब लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस टेन एक्स की होल पावर 2 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन एक्स की होल पावर 2 कर लिया। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स की होल पावर 2 इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड।